ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर शान मसूद और बाबर आजम ने अपने बल्ले से मचाई तबाही। इन दोनों ने मिलकर ठोक डाला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तूफानी दोहरा शतक। जी हां दोस्तों, आखिरकार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किस तरह से शान मसूद और बाबर आजम ने अपने बल्ले से मचाई है तबाही, बताएंगे आपको आज की इस खास वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले, आप भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन और शान मसूद और बाबर आजम के इस प्रदर्शन से खुश हैं, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वर्ल्ड कप में बुरी तरह हारने के बाद पाकिस्तान की टीम अपने नए मिशन पर निकल गई है। बुधवार से पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया दौरा शुरू होगा और इसी बीच पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर 11 के साथ प्रैक्टिस मुकाबला खेल रही है। अपनी पहली ही परीक्षा में पाकिस्तानी कप्तान शान मसूद और बाबर आजम सफल तरीके से पास हो चुके हैं। दरअसल प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम की शुरुआत बढ़िया नहीं रही, टीम को जल्द ही पहला झटका लग गया। आपको बता दें कि इस मुकाबले में इमाम उल हक महज 9 ही रन बनाकर आउट हो गए, तो अब्दुल्ला सफीक भी 38 रन बनाकर चलते बने। एक वक्त पाकिस्तान का स्कोर 2 विकेट पर 76 रन था, लेकिन इसके बाद बाबर आजम और कप्तान शान मसूद ने पारी को संभाला। शान मसूद ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी सेंचुरी पूरी की। आपको बता दें कि पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद ने इस मुकाबले में 156 रनों की नाबाद पारी खेली है, वहीं कप्तान बाबर आजम 40 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि इन दोनों के बीच एक अच्छी साझेदारी देखने को मिली। बाबर आजम ने 88 गेंदों पर 5 चौकों की मदद से 40 रन बनाए, वहीं शान मसूद पहले दिन का खेल खत्म होने तक 235 गेंदों पर 13 चौके और एक छक्के की मदद से 156 रन बनाकर नाबाद हैं। ऐसे में दूसरे दिन शान मसूद अपने बल्ले का कोहराम एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिखाना चाहेंगे। आपको बता दें कि पाकिस्तान की टीम फिलहाल पहले दिन का खेल खत्म होने तक 6 विकेट पर 324 रन बना चुकी है, यानी कि दूसरे दिन पाकिस्तान की टीम 324 रनों से आगे खेलना शुरू करेगी। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।